हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कॉपियर प्रोसेस ट्यूरिंग मशीन में किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कॉपी का सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज अगर वन 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 कोई भी चीज कॉपी करनी है तो आप सेम ये डिजिट तो मेंटेन ही रहेगी, इसके रिस्पेक्ट में वन 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 भी रिप्रेजेंट होगा, सो होना चाहिए। क्या प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरह एक हमने इनपुट टेप डिजाइन किया है। इनपुट टेप डिजाइन करने के बाद जो भी वैल्यू आपको कॉपी करनी है वो उसको हमने इनपुट टेप में इंसर्ट कर लिया। फर्स्ट एंड लास्ट ध्यान दीजिएगा, हमेशा की तरह जो है ब्लैंक सिंबल का यूज किया जाता है ट्यूरिंग मशीन में। अब अगर इस नंबर को कॉपी करना है वन 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 वन, ठीक है, तो अगर आपके पास फोर नंबर्स हैं, एन इज टू कितना है फोर, ठीक है, तो नंबर ऑफ द ब्लैंक्स भी आप नंबर ऑफ फोर कंसीडर करेंगे, वन टू थ्री फोर। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन जो है इस प्रकार से कॉपी होगा। मींस फर्स्ट बी को रिप्लेस करेंगे वन के रिस्पेक्ट में, सेकेंड बी को सेकेंड ए से, थर्ड थर्ड ए से, फोर्थ फोर्थ ए से, ये डिजिट इसमें कॉपी हो जाएगी। तो आउटपुट इसका क्या होगा, इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। अब ध्यान दीजिएगा इसकी मशीन किस प्रकार से डिजाइन करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक इनिशियल स्टेट कंसीडर करेंगे, दैट इज द क्यू नॉट। क्यू नॉट पर हम क्या आएगा, सबसे पहले वन को किसी एक अनदर सिंबल से रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट को हमने क्या किया, एक यहां पे लूप लगा दिया, वन को एक्स से रिप्लेस किया और मूवमेंट क्या करेंगे, राइट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वन को हम एक्स से रिप्लेस करेंगे मूवमेंट राइट करेंगे, क्योंकि ये लूप स्टेटमेंट में जाएगा, हमारा पॉइंटर जो है सीधे लास्ट वन पे पहुंच जाएगा। और नेक्स्ट सिंबल देखिए क्या है, तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी एक्स में। एक्स में कन्वर्ट हो जाए, जैसे ही आपको बी ब्लैंक फाइंड आउट होगा फर्स्ट, हम क्या करेंगे, इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, दैट इज द क्यू टू, और बी को बी से रिप्लेस करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मूवमेंट हम लेफ्ट करेंगे तो आपका जो पॉइंटर होगा वो कहां पर होगा, लास्ट वन पे। जब लास्ट वन पे आपका पॉइंटर होगा, दैट मींस अब इस एक्स को वन में कन्वर्ट करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में बी को भी वन में कन्वर्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट ए को एक्स एक्स को वन में कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट बी को वन में कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्स को वन में कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट बी को वन में कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्स को वन में कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट बी को वन में कन्वर्ट करेंगे, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपका कॉपी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट इनपुट क्या आएगा आपके पास, बी। जैसे बी आया था वैसे हमने क्या किया, बी को बी से रिप्लेस किया और मूवमेंट क्या किया, लेफ्ट साइड। जैसे ही हमने लेफ्ट साइड किया तो आपके पास फर्स्ट सिंबल क्या आएगा, एक्स आएगा, तो ये स्टेट किस पे जाएगा, क्यू वन, इसको क्यू वन कंसिडर कर ले, ये दैट इज द क्यू टू। तो एक्स सिंबल आया, एक्स को हमने रिप्लेस किया वन से, मूवमेंट क्या होगा, राइट। एक्स को हमने किससे रिप्लेसमेंट किया, वन से, मूवमेंट क्या किया, राइट। तो अब ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया, पहले वन को एक्स में कन्वर्ट किया था, फिर वन को हमने एक्स को वन में रिप्रेजेंट किया। जैसे ही नेक्स्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, आपको फाइंड आउट होगा बी, जैसे ही बी फाइंड आउट होगा हम क्या करेंगे, बी को वन से रिप्लेस करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे, लेफ्ट। बी को हमने वन से रिप्लेस किया और मूवमेंट क्या किया, लेफ्ट। जैसे ही हम लेफ्ट आएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वन रिप्रेजेंट होगा। अगर वन रिप्रेजेंट होगा क्योंकि वन हमने इस एक्स को वन में चेंज कर लिया है और इस बी को भी हमने वन में रिप्लेस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इस एक्स को वन में कन्वर्ट करना है और इस बी को वन में कन्वर्ट करना है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक लूप लगेगा, वन
क्योंकि आपके पास वन है, वन को वन से रिप्लेस करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे लेफ्ट साइड। जैसे वन आएगा हम लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी एक्स, और जैसे ही एक्स वैल्यू मिलेगी इस एक्स को हम क्या करेंगे वन से रिप्लेस करेंगे, इस एक्स को ये वन से रिप्लेस हो जाएगा सेकेंड फेज में, और वन से रिप्लेसमेंट करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे राइट करेंगे। अगर राइट कर रहे हैं तो आपको फाइंड आउट क्या होता है वन फाइंड आउट होगा, जैसे ही वन फाइंड आउट होगा इस वन को ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका वन है इस वन को हम क्या करेंगे वन से रिप्लेस करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे राइट। जैसे हम राइट करेंगे तो क्या होगा आपका पॉइंटर यहां पर आ जाएगा, और नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट होगा बी फाइंड आउट होगा। जैसे ही B फाइंड आउट होगा तो B का मूवमेंट क्या हो जाएगा, B को 1 से रिप्लेस करेंगे और लेफ्ट साइड मूवमेंट करेंगे। जैसे ही हम लेफ्ट साइड में आएंगे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम लेफ्ट साइड में आएंगे फिर आपको 1 फाइंड आउट होगा, तो 1 का यहां पर क्या चल रहा है लूप चल रहा है ठीक है। फिर 1 को हमने किससे रिप्लेस किया 1 से रिप्लेस किया और लेफ्ट साइड मूवमेंट करेंगे, क्यों क्योंकि नेक्स्ट जो एक्स है ये भी आपका किसमें कन्वर्ट होगा 1 में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही ये आपका वन में कन्वर्ट होगा मूवमेंट क्या करेंगे राइट। अब ये भी आपका एक्स क्या हो जाएगा वन में कन्वर्ट हो जाएगा और मूवमेंट राइट करेंगे, और फिर आपका लूप चल रहा है वन वन को वन से रिप्लेस किया मूवमेंट क्या किया राइट, और ये प्रोसेस जब चलेगा आपका आएगा नेक्स्ट बी पे, ये आपका कन्वर्ट हो जा चुका है, ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम लेफ्ट साइड आएंगे, तो लेफ्ट साइड में मूवमेंट कब तक चलेगा एक्स तक चलेगा, और ये भी एक्स क्या होगा वन में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली, और जब इसका लेफ्ट एक्स आएगा, जब एक्स आएगा एक्स को वन में रिप्लेस करके राइट मूवमेंट करेंगे, तो ये आपका द्वारा सीक्वेंस कहां पर आएगा यहां पर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा जैसे ये प्रोसेस यहां पर आएगा तो हम क्या करेंगे फिर लेफ्ट साइड मूवमेंट करेंगे, और जैसे ही हम लेफ्ट साइड मूवमेंट करेंगे बी को वन से रिप्लेस करेंगे तो ये भी आपकी फाइनल वैल्यूज जो होंगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी वन में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जब हम बी को वन से रिप्लेस करेंगे और लेफ्ट मूवमेंट करते चले जाएंगे तो लास्ट में आप देखिएगा ये भी वन कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पहले आपको क्या फाइंड आउट होगा ब्लैंक बी। जैसे ही ब्लैंक बी फाइंड आउट होगा हम क्या करेंगे क्योंकि हर एक एक्स के रिस्पेक्ट में बी की वैल्यू भी वन हो जा चुकी है, जैसे ही बी आएगा वैसे हम क्या करेंगे एक न्यू स्टेट जनरेट करेंगे दैट इज Q4 या QF कर सकते हैं, ये आपकी फाइनल स्टेट होगी। ध्यान दीजिए क्यों क्योंकि यहां पर लास्ट है और आपका पॉइंटर कहां पर होगा यहां पर होगा, तो इस B पर्टिकुलर B को B से रिप्लेस करेंगे और मोमेंट क्या करेंगे राइट कर सकते हैं और लेफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट इनपुट टेप की तरह वर्क करेगा इसलिए जो है, और ये आपकी क्या हो जाएगी फाइनल स्टेट हो जाएगी। इस प्रकार से जो है आप कॉपियर के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं, जितना आप बार बार रिवीजन करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। एक बार पूरा प्रोसेस जो है फिर से देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है जितनी बार आप रिपीटेशन करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा।